हे गाइस, तो हम आवारे फिर निकल चुके हैं किसी राह पर। कौन सी राह पर जा रहे हैं वो हमें भी नहीं पता भाई। कहाँ चलना है? पहले गाड़ी चला ले, फिर देखते। गाड़ी तो तेरा भाई एक हाथ से चलाता है। तो भाई अभी हम आवारे फिर निकल चुके हैं आज। भाई लोग भी कहेंगे रोज रोज निकल जाते हैं। भाई कहाँ चलना है? मुझे तो बताओ कहाँ पहुँचना है, हमें भी नहीं पता ना भाई। तो गाइस, हमें जैसे ही पता लगता है हम कहाँ जा रहे हैं, तुम्हें जरूर बताएंगे। जल्दी अपडेट देंगे गाइस, लाइव अपडेट आज तक पे लाइव। थैंक यू। आपके साथ है रिपोर्टर जतिन अरोड़ा एंड फनीएस्ट पर्सन विदान अरोड़ा, सॉरी राव। और गाइस, आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, रोज ही होता है। तो गाइस, अभी हमने फाइनल किया है कि हम जाएंगे कहाँ पे जाएंगे। आदित्य बता। भानगढ़। तू ही बता दे दो बार। हाँ मैं भी बता दूँ, भानगढ़। भानगढ़ अभी हम रुके गए थे, अभी हम कुछ भी नहीं खा के आए थे। ये तो पूरा खा पी के आए थे, पेट भी टाइट हो रहा है। ये भी नहीं खा के आया, मैं भी नहीं खा के आया नाश्ता। तो अभी हमने मंगाया है ब्रेड, नहीं पनीर पकौड़े, पनीर पकौड़े और चाय, पकौड़े और चाय खाएंगे तो और पियेंगे भी। अभी हमारे साथ ये हमारे साथ है फनीएस्ट पर्सन भाई। इसका आप शुरू होएगा, देखिए ये बोलेगा नोक चाट लो विदान को जोक। नमक चाट लो विदान, इसका क्या बोलते हैं, जोक सुनाऊं? तो गाइस, अब हम निकल चुके हैं भानगढ़ के लिए, भूतों वाली जगह पे। भूतों वाली जगह पे, और ये एक पीछे भूत बैठा है, इसको छोड़ के आएंगे हम। गंजेड़ी भूत बाबा, I'm so high बाबा। ये नशेड़ी भूत है, नशेड़ी भूत नहीं भूत। और अभी बैक कैमरा करके बाहर का व्यू दिखाते हैं, बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है, शानदार। ये देखो भाई, देखो क्या तेरा मैप क्लाउडी हो रहा है पूरा। हाँ सही है, पूरा क्लाउडी क्लाउडी हो रहा है, मस्त मौसम हो रहा है। धूप तो नहीं है। ये पूरे क्लाउडी मौसम के मजे ले रहा है। सा बोर्ड आ गया है, हम जयपुर की तरफ जा रहे हैं। हमें क्या लेना देना, पर हमें कुछ लेना देना नहीं है। बस दिखा रहे थे आगे, इसलिए दिखा गया इसको। व्यू आ रहा है बहुत, एक नंबर भाई। बारिश के मौसम में मजा सा आ जाता है। अगर किसी को राजस्थान घूमना है तो बारिश के मौसम में आना भाई, और हमें फोन कर लेना, क्योंकि धूप में तो मर जाएंगे। गाइस, भानगढ़ के रास्ते में हम प्रताप नगर पहुंचने वाले हैं। ये हम कश्मीर की वादियों, कश्मीर की वादियों। ये देखो, ये कश्मीर वाले पेड़ आ गए। यहाँ की बाइकों के नंबर वैसे आर जी ही है। थोड़े थोड़े से हम पागल हैं, पता नहीं हम उल्टी सी। ये बंदा यहाँ पढ़ाई कर रहा है, इतना इतना पढ़ाकू, और ये पढ़ाई उस सब्जेक्ट की कर रहा है जो इसके है भी नहीं। ये बताना नहीं था, बीबीए की पढ़ाई कर रहा है, और जबकि ये बंदा नीट की एग्जाम दे के आया है। यही होते हैं वो टॉपर, ये बताना नहीं था। नहीं, ये नहीं पता। यही टॉपर होते हैं जो खाली बैठे कुछ भी पढ़ लेते हैं, नॉलेज लेते हैं बुक से, हर बुक से ले लेनी चाहिए फ्री की। भानगढ़ में बैठ के पढ़ लियो। व्यू तो एक नंबर आ रहा है भाई, शानदार, फुल ग्रीन ग्रीन। बस थोड़ा सा रास्ता और अच्छा होता, अब आगे थोड़ी सी तो मजा आ जाता। और खाई से पार, ये देखो रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ की। गाइस, हमारा जतिन द ब्लॉगर तो ड्राइविंग कर रहा है, परेशान हो गया भाई। क्या ड्राइविंग कर, तो परेशान हो गया यार, बहुत कच्चा रास्ता चल रहा है, रास्ता बेकार है। कम से कम हम 15-20 किलोमीटर से आ रहे हैं, ऐसे रास्ता ये फिर भी ठीक है। सौरभ जोशी भी आया था कल परसों, सौरभ जोशी आया था, वो यहीं से आया। एलविश यादव भी आया था कल परसों, भाई टैग कर दो, टैग कर दो, थोड़े से व्यूज खींच लूंगा उनके नाम पे। बस एक खुशी है कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। एक और खुशी है, 1 किलोमीटर बाद हाईवे, 1 किलोमीटर बाद हाईवे आने वाला है। गूगल
देवता के कहने पे, और वेदांत देख रहा है कि मान नहीं रहे, पर इसमें दिखा रहा है कि थोड़ी देर बाद में ये हाईवे आ जाएगा यहाँ पे, तो देखते हैं। फिंगर्स क्रॉस। लेकिन व्यू अभी तक व्यू तो एक नंबर आ रहा है, मस्त मजे आ रहे हैं, व्यू तो बहुत मजे भी आ रहे हैं, और थोड़ा मजे भी आ रहे हैं, थोड़ा फन भी हो रहा है, परेशान भी हो रहे हैं, इधर उधर है। तो चलो अभी हाईवे पे चढ़ के अपडेट देते हैं। वेदांत वन जोक, वेदांत वन जोक, वेदांत इज वेदांत। चलो थोड़ा शर्मीला वेदांत, अभी बात नहीं करना तब तक ये पहाड़ देख लो। सस्ता उत्तराखंड, उत्तराखंड लाइट वर्जन। मेरे को लग रहा था शाकंबरी में ही है शिमला जैसा, लेकिन यहाँ भी है, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही है, यहाँ पे ज्यादा ही है। पानी भी यहाँ पे यार, मतलब तो दिखे सामने हाईवे आ गया है। एक बार हाईवे पे चढ़ते हैं, फिर बात करते हैं आगे। फाइनली हाईवे आ चुका है, और हाईवे बहुत तगड़ा ही आ गया, शानदार वाला है यार, बहुत अच्छा हाईवे आ गया। सही कह रहा था, राजस्थान की सड़कें अच्छी हैं। एक्चुअली हम गलती से गांव के अंदर घुस गए थे, तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, बट अब जो हाईवे है ना भाई, कसम से मजा आ गया। मर्सिडीज भी है, हां मर्सिडीज ही चलती है भाई, अपनी भी BMW है, लेनी है नहीं अभी। पहुंच गए, अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं बानगढ़। कितना रह गया यहाँ से? रह गया भेजुभाई से मिलने आया था, 35 किलोमीटर और रह गया बानगढ़। 35 किलोमीटर और जो व्यू है ना यहाँ पे, एक बार देख लो, क्या देख लो, व्यू आ रहा है अबो भाई, अब ये वर्थ इट है एकदम यहाँ पे आना, और बारिश के मौसम में आना तो सबसे ज्यादा। बस अभी बारिश भी आ जाएगी, और बारिश का वैसे मौसम भी हो ही रहा है, आ जाए तो सबसे बढ़िया मजे आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे। ये जो पहाड़ आ गए ना, अब लगने लग गया जैसे उत्तराखंड में एंट्री ले ली, बस चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ आ गए। हाँ साइड में लगा दियो आगे, उसके आगे खड़े, ये देखो आगे पूरे पहाड़ी पहाड़ स्टार्ट हो गए। मस्ट विजिटिंग प्लेस है, अगर राजस्थान कोई आ रहा है तो भानगढ़ जरूर आना, और बारिश के मौसम में स्पेशल। बारिश के मौसम में आना गाइस, फुल्ली ग्रीनरी, फुल्ली ग्रीनरी, उत्तराखंड का मजा यहीं पे ले लो। तो गाइस अभी हम रुके हैं मस्त फोटो शूट कराने के लिए, और मेरी जो लाइव फोटोज है वो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे, मतलब जो नेम है मेरी यूजर आईडी का, वो यहाँ पे स्क्रीन पे स्क्रॉल हो जाएगा, आप लोग फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। आ रहे भाई आ रहे हैं, तू ड्राइवर पीछे बैठ भैया, भैया लिफ्ट, भैया लिफ्ट। तो गाइस अभी हमने फोटो वोटो करा लिया, अब चलते हैं। अकेले चल जाएगा, तेरे को चलानी तो नहीं आती भाई, वो बेच कर रहा है। भैया गियर डालो, भैया गियर, क्या बेच रहा भैया? रिवर्स पूछ के आते, क्या बेच रहा है वो? कलंगर। अमिल क्या है उससे? कलंगर बेच रहा है। अमिल क्या है? अरे कलंगर बेच रहा है गाइस, अभी यहां पे कुछ बेच रहा है। क्या वो क्या बेच रहा है? कलंगर, कलंगर, कलंगर। अभी बताते हैं गाइस क्या होता है आपको, अभी दिखाते हैं हम क्या होता है। क्या है भैया? ये कच्चा हाथी की सब्जी से बनाते हैं, इसकी क्या है? बनती है, और इसको नमक मिर्ची से खा सकते हैं। कलंगर है, कलंगर अमरूद की तरह आता है ये, मत खा पा। मीठा है कि खट्टा है? खट्टा है, ऐसे भी खा सकते हैं। क्या भाव दे रहे हो? 60 रुपए किलो, ठीक है आधी किलो। एक बार एक टेस्ट तो कराओ पहले काट के। अरे ये देखो, ये है जो अपने देश को गंदा कर रहे हैं, वो देखो वो फेंक दिया, ये देखो खेरा पल फेंकते। जा छोटू, जा 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 जा, कहाँ जाएंगे? रामपुर, किशनगढ़, भीलवाड़ा। वो गर्मियों की यार मार।
हम थोड़ा गलत भटक गए थे रास्ते में, भटक गए थे यहाँ पे, बट ने भी भटक दिया वैसे। गूगल मैप्स के भरोसे कभी मत आना, और गूगल मैप्स पे डालो तो भानगढ़ फोर्ट डालना, फोर्ट के नाम से ही दिखाएगा गूगल मैप्स, क्योंकि भानगढ़ के नाम से तो हमें ये पता नहीं कहाँ ले गया था, घर के अंदर लेके जा रहा था। और अब ये जस्ट पहुंचने वाले हैं, 200-300 meters और रह गया, चलेगा मेरे को लग रहा है, ऐसा लेगा वैसा लेगा क्या, ऐसा नहीं तो वैसा लेगा क्या। यहाँ पे पार्किंग के चार्जेस हैं, किसको किसको बांचने का नहीं है तो किसको, अरे रुक जा भाई रुक जा, कितना चार्ज है, 50 rupees पार्किंग, 50 rupees पार्किंग लगा दी है यहाँ पे, पार्किंग 50 rupees लेंगे तो जेब में 50 rupees लेके आना। वाह, और ये हमारे साथ पता नहीं कौन आ गया, ये देखो कपड़े वपड़े नहीं है क्या तेरे पास, कूल लोग ऐसे रहते हैं, बोल 10 rupees देगा, 10 rupees इसको पता नहीं, कूल लोग कैसे रहते हैं। अभी हम आ गए हैं, अंदर चलता हूँ मैं, अंदर दिखाते हैं। और ये आदित्य है, ये वेदांत है। वेदांत कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा सा कुछ हमारा व्यू है। क्या वैसे रहेगा मेरे वॉलेट उसमें रहेगा, गाड़ी में पाया कोई नहीं। हाँ ये बात भी है गाइस, अभी हमने टिकट ले लिया वहाँ से, 25 rupees की एक टिकट है, उनको दिखानी है। अच्छा गाइस हम तो टिकट लाए और आदित्य से टिकट ही छीन ली उसने, आदित्य क्या बोला, वो बोले यही छोड़ दो, यही छोड़ दो। तो गाइस अभी हम एंटर हो गए हैं, एक बार व्यू दिखा देता हूँ, फिर ये हमारे गाइड है, ये आपको समझाएंगे ऐसा सा कुछ व्यू है। एक मिनट रुको गाइस, अब समझा। तो गाइस देखो ये पूरा मैप तो बताया गया है, okay. में कैसे कैसे क्या क्या okay. है, पूरा फोर्ट का मैप है, ओके okay. इसके हमने पिक ले लिए, इसी से हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, ओके okay. चलो तो चलिए शुरू करते हैं। अरे ताऊ जी आप यहीं रहते हो क्या? हाँ जी। हैं? हम गाइड बन करते हैं। क्या कह रहे हो? गाइड है वो वहाँ के। गाइड हो क्या? भूत नहीं आती है क्या रात को? भूतने आते भूतने, ये जो है ना ये पहले मार्केट हुआ करता था ऐसे बोलते हैं यहाँ पे, ये हाँ इसको बता दो, इसको वापस रिन्यू नहीं कराया सरकार ने, भी ऐसे रखा है जैसा नेचुरल है। अच्छा मतलब पहले बहुत पहले, हाँ काफी टाइम पहले ऐसे बोलते कि यहाँ पे मार्केट होता था, फिर वो पूरा गांव जो था ये उसमें पता नहीं कुछ हो गया था तो सब मर गए थे यहाँ के लोग। बताया ये भी जाता है कि यहाँ पे हर रात को मार्केट फिर से लगता है। हाँ मार्केट लगता है रात को, भूतों का मार्केट लगता है, है? रोज बोला जाता है। और ये एशिया की सबसे डरावनी जगह पे, एशिया मोस्ट वांटेड प्लेस। वैसे अपने को गाइड की जरूरत है नहीं। दो गाइड पहले ये देखो गाइस, ये जॉकी 76 स्पॉट डिविजन। और गाइस इतना मस्त व्यू है, इसको गाइस करने का पता नहीं चलता, बहुत मस्त व्यू है। तुम दोनों कैसे फोन चला के सुन रहे हो, मुझे लग रहा है कि मैं गलत आया हूँ। तू गलत ही आया है। हाँ यार यहाँ फोन ही मतलब वही करते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह, गाइस किला मस्त लग रहा है। ओ देखो वो रहा गाइस किला। और अरे तेरे को एक स्टोरी और बताता हूँ कि ये जो तेरे को वो दिख रही है आदित्य, बोलो छोटू ऊपर वो दिख रही है, वो क्या कहते हैं इसको, सबसे ऊपर वो चोटी, और ये देखो गाइस ये सबसे ऊपर चोटी है ना, यहाँ पे वो जो तांत्रिक था हाँ। उसने यही किया था, क्या सुसाइड, तंत्र मंत्र, हाँ तंत्र मंत्र करके इत्र इत्र बना के, आज भी रात को यहाँ पे लाइट जलती रात को, तो वहाँ पे आज भी करता है क्या वो? आज भी आता है यहाँ पे, ऐसी बातें मत कर, अभी आ जाएगा वो यहाँ पे, रात को आना अलाउड नहीं है, रात को यहाँ पे 7 बजे बाद में खाली हो जाता है सब चीज़। बहुत ये उसकी तरह हो गया एक तरह से, मतलब निधि वन में श्री कृष्ण जी आते हैं ना, वहाँ पे भी रात को कुछ और आता है, हाँ यहाँ कुछ और आता है, यहाँ पे भूत आते हैं, लेकिन रात को वहाँ पे भी बंद हो जाता है, वहाँ पे भी अलाउ नहीं होता। जल्दी जल्दी चलो यार फोर्ट पे जाके वापस भी, 3 बजे वापस निकलना है अपने को ना। क्या टाइम हो गया? 2:15 हो गए। चलो गाइस ये देखो ये मार्केट, अब बंद कर देता हूँ गाइस, अब हम थोड़ा एंजॉय कर देते हैं, मैं आपको भी एंजॉय कराता रहूँगा आगे, एंजॉय करवाता रहूँगा गाइस। सबसे पहले बात पे थूक दिया इसने गाइस, सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि मैं एंजॉय कराता हूँ नहीं कराता, ये हंस रहे हैं आप, कमेंट करके बताओ कि मैं एंजॉय कराता हूँ, एंजॉय पे हंस रहे हैं, तू तो ऐसी हंस रहा है, दिखाने वाली चीज ऐसा सा कुछ भी हो रहा है।